अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मोहम्मद आमिर टीम के अंदर वापस आ सकते हैं या नहीं चैंपियंस ट्रॉफी और आने वाले दिनों के अंदर दौरा ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के अंदर मोहम्मद आमिर की क्या टीम के अंदर जगह बन सकती है, क्या पाकिस्तान के प्लान के अंदर T20 फॉर्मेट हो या वनडे प्लान हो उसके अंदर मोहम्मद आमिर की जगह बनती है या नहीं, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसके अंदर इंडिया की टीम जो है वो शिरकत करेगी, ये वाली बात डिसाइड हो चुकी है। सारी तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल है और ICC ने जो अभी बोर्ड मीटिंग हुई है पिछले गुज़िश्ता रोज़ उसके अंदर ओके कर दिया है और बता दिया है कि इंडिया जो है सारी चीज़ें जो इंडिया के अंदर चल रही हैं कि पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी ये वो, इस सारी बेवकूफ़ों वाली फेक न्यूज़ हैं, डिसइंफॉर्मेशन है जिसके अंदर इंडिया माहिर है और ये सारी चीज़ें फैलाई जा रही हैं। ICC की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब गए हैं, सारी सूरत हाल सबको बताई है। इंडिया के भी लोग बैठे हुए थे, सारे लोग बैठे हुए थे, किसी किस्म का 1% भी किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया है और किसी ने ना जाने की बात नहीं की है। ये आखिरी मीटिंग थी, इसके बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी होगी। अगर कोई 3-5 होता है तो खुसूरवार वही होगा जो 3-5 करेगा, लेकिन अब तक की इत्तला के मुताबिक ICC ने इस बात को ओके कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। और मोहसिन नकवी साहब ने यहां तक बोल दिया है कि अगर किसी को एतराज़ है तो आकर देख ले, तामीराती काम जिस तरह जारी है सब ने बोला आपकी बात के ऊपर एतबार है और पाकिस्तान के अंदर जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सब ने ओके का सिग्नल दे दिया है और वहाँ पर शिरकत के लिए किसी किस्म का कोई एतराज़ सामने नहीं आया है। अब इंडिया की मीडिया की अगर बात की जाए तो उनको तो किसी किस्म की खबरें चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, वो लोग इन्फॉर्मेशन हो तो उसके ऊपर मामला चलाते हैं, इन्फॉर्मेशन ना हो तो डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर जो है फेक न्यूज़ फैलाकर जो है उसके अंदर मामला आगे चलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 24 घंटे अगर चैनल चलाना है तो कुछ ना कुछ तो आपको डालना पड़ेगा उसके अंदर, चाहे झूठ हो चाहे सच हो। और झूठ इंडिया के चैनल्स के अंदर और इंडिया के मीडिया के अंदर जो है वो 90% होता है, सच्चाई जो है तकरीबन 10% होती है, वो भी घुमा फिराकर पेश की जाती है। तो इंडिया के चैनल के अंदर आजकल इंडियन मीडिया के अंदर क्या कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया के मीडिया के अंदर कि पाकिस्तान इंडिया की टीम नहीं जाएगी, कोई कोई ऐसा चीज होनी चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया को, आज एक और खबर, कल एक और खबर, परसों एक और खबर, धमाकेदार खबरें जो हैं ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलाई जाती हैं कि इंडिया के मैचेस जो हैं वो, एक दिन खबर आएगी आ रही होती है कि दुबई के अंदर मैचेस होंगे और उसके बाद जो है न्यूट्रल वेन्यू के अंदर कोई और चीज़ होगी, फिर एक दिन खबर आती है कि इंडिया की टीम जो है पाकिस्तान मैच खेलेगी उसके बाद वापस चली जाएगी, PCB ने ये कर दिया, PCB ने ये सजेशन दे दी है, ICC ने इनकार कर दिया है। इस तरह की धमाकेदार खबरें जो है वो लोगों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए और लोगों को जो है वो ज़रा सा सरप्राइज़ करने के लिए इस तरह की खबरें और अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए और अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए इस तरह की झूठी खबरें जो है फैलाई जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुँह में दही जमा के नहीं बैठा हुआ था ICC के अंदर पाकिस्तान इंडिया का जो रिप्रेजेंटर था और वहाँ पर अगर किसी किस्म का कोई एतराज़ था तो वो सामने आता। पूरी ICC की जो मिनट्स हैं उसके अंदर एक एतराज़ भी सामने नहीं आया है कि पाकिस्तान में खेलने से किसी ने इनकार किया है या फिर किसी ने कोई बात की हो। इंडिया के लोग भी वहाँ बैठे हुए थे, सारे लोग बैठे हुए थे, किसी ने एक बात नहीं की है। और उसके बाद नवंबर में तो वैसे ही जय शाह जो है वो ICC के सदर बन जाएंगे। पाकिस्तान और जय शाह की क्या क्या बात हुई है, पाकिस्तान ने क्यों एतराज़ नहीं किया है जय शाह की तकर्री के ऊपर, इसलिए किसी ना किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग है। और सबसे मेन चीज़ जो है वो T20 वर्ल्ड कप है। इंडिया को 50 दफ़ा ये वाली बात सोचनी पड़ेगी कि अगर पाकिस्तान वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाता है तो T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया के अंदर होना है अगला, उसके अंदर जो है मामला बड़े ख़राब हो जाएंगे। पाकिस्तानी टीम इस वक्त जो है, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है वो तमाम तर चीज़ें जो है तैयार रखेगा, जो इंडिया इस वक्त ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ करेगा वही चीज़ जो है एक्शन रिप्ले बल्कि फोटोकॉपी जो है, कार्बन फोटोकॉपी कुछ भी कह लें आप, वो चीज़ जो है 2026 के अंदर जब T20 वर्ल्ड कप होगा उसके अंदर आपके सामने पेश की जाएगी। और फिर आप किसी मुंह से जो है, किसी भी तरीके से जो है वो पाकिस्तान को इंकार नहीं कर सकेंगे और ना पाकिस्तान का कोई एतराज़ जो है उसको दूर किया जा सकेगा। ICC के बेशक चेयरमैन जय शाह हो, चाहे उसका बाप बन जाए अमित शाह, लेकिन जो चीज़ ICC के अंदर इंडिया करेगा इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वही चीज़ पाकिस्तान करेगा। किसी के बाप के अंदर हिम्मत है तो रोक के दिखा ले, जो चीज़ अगर आपने करनी है तो फिर
एक चीज़ एहतियात के तौर पर कीजिएगा कि अगली दफ़ा वही चीज़ आपके सामने आएगी, वरना फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये पूरी चेतावनी जो है, ये पूरी धमकी जो है, वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर देकर आए हैं, और इंडिया को भी इस बात का अंदाज़ा है, इसीलिए वो बड़ा स्मार्ट खेलता हुआ नज़र आ रहा है। अपने पत्ते जो है वो शो नहीं कर रहा, सीने से लगा के बैठा हुआ है, और किसी किस्म की कोई बात नहीं की जा रही इंडिया के अंदर। सिर्फ मीडिया जो है वो भौंकता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा इंडिया के BCCI के ऑफिशल्स की जानेब से या किसी वजीर की जानेब से किसी किस्म की कोई बात नहीं की जा रही। इसके ऊपर ऐसी खामोशी है जैसे क़यामत आने से, तूफान आने से पहले जो खामोशी होती है। तो इसलिए मीडिया जितना भी बोलता रहे, जो बातें करता रहे, जो बकवास करता रहे, उसकी बातें साइड में रखनी चाहिए। जो हकीकत होती है, जो इंडिया की मीडिया के अंदर फैलाई जाती है, उससे काफ़ी दूर होती है। इसलिए इंडिया की मीडिया को सीरियस नहीं लेना चाहिए और तमाम तर चीज़ें देखनी चाहिए। तेल देखो, तेल की धार देखो, जो चीज़ इंडिया करेगा वही चीज़ इंडिया के साथ होगी, ये चीज़ उनके जहन में आ जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आमिर की टीम के अंदर वापसी, आमिर पीसीबी के प्लान का हिस्सा है, और आमिर जो है वो हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी खेले। और अगर इसके अंदर ये वाली चीज़ है कि आमिर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्या ऑस्ट्रेलिया का टूर करता है या फिर कोई और टूर करता है, इसके लिए पीसीबी के अंदर सोच पाई जाती है कि आमिर को हम लोग रख सकते हैं और आमिर को जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए बड़े इवेंट के लिए, और उससे पहले कुछ सीरीज़ खिलाई जाएँ ताकि उसकी फ़िटनेस का मैार, उसकी जो रिदम है वो पता चल सके। और आमिर जो है वो यकीनी तौर पर जो है 70% तक मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के प्लान का हिस्सा है, कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम है उसके अंदर सबसे मजबूत एक स्क्वाड जो पाकिस्तान का होगा। बेशक बाबर आजम को टीम के अंदर रखें, शाहीन शाफरीदी को टीम के अंदर रखें, किसी को भी रखें, आपने मजबूत स्क्वाड जो है उसका ऐलान करना है। और ICC ने अभी से इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है, इसीलिए ICC के PCB के अंदर से ये खबरें सामने आ रही हैं कि आमिर जो है उसके बारे में गौर किया जा रहा है। अभी से सारी प्लानिंग हो रही है, आकिब जावेद साहब से बहुत सारी बातें हुई हैं, सिलेक्शन कमेटी के लोगों की और PCB के लोगों की, मोहसिन नकवी साहब की, उसके अंदर आमिर जो है वो डिस्कस हुआ है। इसलिए आमिर को रखने ना रखने के बारे में अभी से फैसला हो रहा है, और इसके इम्कान 70% है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के प्लान का हिस्सा है 70% तक कि उसको टीम के अंदर रखा जाएगा, स्क्वाड के अंदर रखा जाएगा, और आमिर की मौजूदगी जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड को जो है मजीद मजबूत और ताकतवर करेगी। इसलिए आमिर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान का हिस्सा है, और आने वाले दिनों के अंदर हम उनको पाकिस्तान की तरफ से दोबारा खेलते हुए देखते हुए नजर आएंगे। ट्रॉफी के अंदर इंडिया की आमद और आमिर की टीम के अंदर शमूलियत, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।